हेलो एवरीवन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाफ मैन कोडिंग के बारे में तो हाफ मैन कोडिंग बेसिकली एक टेक्निक है जो हम किसी भी डाटा या मैसेज को हम लोग कंप्रेस कर लेते हैं कि, कि, किसी भी फाइल के जो साइज है उसको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास एक मैसेज है महाराष्ट्र के नाम से ठीक महाराष्ट्र हमारे पास एक मैसेज है इसको हम लोग हाफ मैन कोडिंग से कंप्रेस करेंगे तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं टेबल में क्या रहेगा करेक्टर रहेगा ठीक और फ्रीक्वेंसी रहेगी कितनी बार वो लेटर आया है करेक्टर आया है उसके बाद क्या रहेगा कोड रहेगा ये इंपॉर्टेंट है ठीक अब हम देखेंगे करेक्टर क्या है हमारे पास एम महाराष्ट्र में एम फिर ए आया है फिर एच आया है फिर देखेंगे आर आया है फिर एस और टी आया है ठीक अब ये हम ये देखेंगे कि ये कितनी बार रिपीट हुआ है एम एम वन टाइम रिपीट हुआ है फ्रीक्वेंसी या काउंट कह लें इसको और ए कितनी बार रिपीट हुआ वन टू वन टू थ्री और फोर टाइम रिपीट हुआ है तो ए फोर टाइम रिपीट हुआ है और एच हमारा टू टाइम रिपीट हुआ है और आर हमारा टू टाइम रिपीट हुआ है और एस हमारा वन टाइम रिपीट हुआ है और टी भी हमारा वन टाइम रिपीट हुआ है हाफमैन कोडिंग को सॉल्व करने से पहले हम इस सीक्वेंस को जो फ्रिक्वेंसी जितनी है उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे जिसकी फ्रिक्वेंसी कम है उसको पहले और जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई है उसको बाद में लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं एम ए सॉरी एम एस टी एच आर और ए इसकी फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं कितनी बार आया है तो एम वन बाट वन टाइम आया है एस वन टाइम आया है टी भी वन टाइम आया है और एच टू टाइम है आर भी टू टाइम है और हमारे पास क्या ए है ए हमारे पास फोर टाइम रिपीट हुआ है फ्रिक्वेंसी हमारी फोर टाइम रिपीट है चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले दो असेंडिंग ऑर्डर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर करेक्ट लेते हैं जैसे हमने एम लिया और एस लिया ठीक तो एम हमारा कितनी बार आया है वन टाइम तो यहाँ लिख लेंगे ये वन टाइम वन टाइम और एस भी हमारा पास वन टाइम आए नीचे लिख लेंगे एम और एस और इनको कर लेंगे क्या हम लोग ऐड कर लेंगे इनको क्या कर लेंगे हम लोग ऐड कर लेंगे इनको जब ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा टू आएगा ठीक हमने दो करेक्टर का इस्तेमाल यूज़ कर चुके हैं कौन से m और s अब हम फिर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे इसके साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे तो क्या आएगा t आएगा अब हम t का यूज करेंगे अब इंक्रीजिंग ऑर्डर यहां भी लगेगी क्यों ये 2 है और ये 1 है छोटा कौन सा है t तो ये हम इस साइड यूज करेंगे इसको ठीक अब t को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में इस्तेमाल करेंगे t की कितनी वैल्यू है 1 तो यहां नीचे t लिख लेंगे अब इन, इसको और इसको हम लोग एड कर लेंगे ठीक इसको हम लोग ऐड कर लेंगे अब ये वन है ये टू है तो इसको जब ऐड करेंगे क्या आएगा ये वैल्यू थ्री आएगी ठीक तो हम लोग ने टी का भी यूज कर लिया है हमने टी का भी यूज कर लिया है अब यहां बात आती है एच बचा हमारे पास आर बचा हमारे पास और ए बचा हमारे पास और इसकी जो वैल्यू है ये है थ्री ये बड़ी है टू और टू से बड़ी है मतलब हम लोग जो असेंडिंग ऑर्डर दो लें जो दो करेक्टर लेंगे वो क्या लेंगे एच और आर लेंगे तो ये हमारा है अब एच आर अलग से लेंगे ठीक तो इसको यहां लिखते हैं टू वैल्यू है एच की और आर की भी वैल्यू क्या है टू है अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे जब ऐड करेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी फोर आएगी ठीक इसकी वैल्यू क्या आएगी फोर आएगी तो हम लोगों ने क्या यूज कर लिया एच को यूज कर लिया आर को यूज कर लिया ठीक अब हमारे पास क्या बचा ए बचा. की क्या है कितनी बार हमारी फ्रिक्वेंसी हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास फोर टाइम है ए हमारे पास फोर टाइम आया ठीक अब हम चेक करेंगे अब हम चेक क्या करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका बनेगा जो हम लोग ने ये ट्री बनाया था इसका क्या देखिए थ्री है ये ये वैल्यू क्या है थ्री है और ये फोर है असेंडिंग ऑर्डर यूज करेंगे पहले असेंडिंग ऑर्डर लेंगे फिर असेंडिंग ऑर्डर लेते लेते हम लोग हायर लेवल पर जाएंगे तो थ्री ये है और ये फोर है तो इन दोनों को हम लोग एड करेंगे ठीक ये अब ट्री ये कैसे बनेगा अब ये ट्री कैसे बनेगा देखिए ये थ्री है ये टू था ये वन वन में क्या एम ये वन था ये एस वैल्यू थी इधर क्या था वन मतलब ये टी वैल्यू थी ठीक ये टू मतलब एच वैल्यू है ये टू का था मतलब आर इन दोनों को ऐड किया था तो हमारे पास कितना ऐड होकर आया था फोर आया था अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे ठीक हमारे पास अब बचा क्या अब देख लीजिए हमारे पास क्या बचा है हमारे पास ए बचा भी और हम लोग ये संडे ऑर्डर संडे का ऑर्डर कंपेयर करेंगे तो ये छोटा है तो इसको ऐड करेंगे इसके साथ ऐड कर लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा इसका जो आंसर आएगा सेवन आंसर आएगा थ्री प्लस फोर सेवन आएगा आंसर ठीक तो ये हमारा कंप्लीट हो गया अब हम पास हमारे पास लास्ट क्या बचा लास्ट हमारे पास ए बचा ए देखिए क्या है सेवन हमारे पास यहाँ बड़ा है फोर से बड़ा है हमारा जो क्या है ए ए की फोर है? है और ये फोर हमारा छोटा है किससे सेवन से तो हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा क्या आएगा ए ए क्या है फोर है और ये है इन दोनों को हम लोग अब ऐड करेंगे इन दोनों को ऐड करने पे हम लोग की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी इलेवन वैल्यू आएगी ये हमारा हाफ मैन कोडिंग है हाफ मैन ट्री आ गया बनके ये हमारा पूरा कंप्लीट हाफ एंड हाफ मैन ट्री है ये हमारा क्या आ गया आउटपुट आ गया और अब हमने क्या किया एक को भी हम लोग ने यूज कर लिया ठीक चलिए अब उसको ट्रांसवर्स करते हैं ठीक ट्रावर्स करते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड होंगे उसमें हम लोग उसको हम लोग जीरो से डिनोट करेंगे और जो राइट हैंड साइड में होंगे उसको हम लोग वन से डिनोट करेंगे ये इधर लेफ्ट हैंड साइड है ये जीरो राइट साइड है वन ये लेफ्ट हैंड साइड है जीरो साइड है जीरो ये क्या है राइट हैंड साइड वन इसका भी ये लेफ्ट हैंड साइड है जीरो ये राइट हैंड साइड है क्या होगा वन ये सेवन का राइट हैंड साइड है तो इसका जो वैल्यू आएगी वन आएगी ये जीरो और ये वन अब देखिए जब हम एक हमारा जो यूजर है मतलब जो रिसीवर है हमारा जब ये मैसेज को रिसीव करेगा उसको डी कैसे करेगा ठीक डी कैसे करेगा अब ये देखिए एम एम का हमारा कोड क्या आएगा एम हमारे पास कहाँ है यहाँ पर एम कोड है ठीक कैसे आएगा ये हमारा टॉप है ये हमारा टॉप का है ठीक जब यूजर हमारे को डिकोड करेगा कैसे करेगा तो पहले कहाँ आएगा वन ठीक इधर आएगा ठीक इस पर आएगा और फिर यहाँ से इधर मूव करेगा वन फिर यहाँ पे आएगा जीरो फिर फिर यहाँ पे आएगा इस साइड वन तो ये हमारा लास्ट में क्या आएगा एम के पास पहुँच जाएगा तो इसका कोड क्या होगा कोड क्या होगा इसका वन देखो यूजर यहाँ से चलेगा ना यहाँ से यूजर चलेगा ठीक देखिए यह हमारा पूरा पार्ट ये लेफ्ट हैंड साइड का है ठीक ये राइट हैंड साइड है ठीक ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारा राइट हैंड साइड है तो इसका कोड कैसे होगा ये वन जीरो वन जीरो हम लोग एम पे पहुंच गए अब उसी तरह ए पे ए का कोड क्या होगा ए को कोड यहाँ से ये यह टॉप है हमारे पास हाईएस्ट नोड है इसका ए पे या यह ए यहाँ है तो क्या आएगा जीरो आएगा सिर्फ जिसका कोड क्या आएगा यहाँ जीरो आएगा अब बचा क्या एच ऐसे कोड क्या है एच हमारे पास कहाँ कहा? है एच यहां पे है ठीक तो कोड कैसे आएगा वन वन जीरो इसका कोड क्या आएगा वन वन जीरो कोड आएगा ठीक आर है आर हमारे पास यहां पे तो क्या आएगा कोड वन 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 इसका थ्री वन आएंगे ठीक अब देखिए अब बचा क्या हमारे पास एस बचा, एस यहां पे है इसका कोड कैसा आएगा वन जीरो वन 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 जीरो वन वन ठीक अब बचा क्या हमारे पास टी टी का कोड कैसे आएगा टी यहां पे है तो टी यहां से मूव करेंगे तो वन तो वन लिख लेंगे फिर क्या आएगा जीरो फिर जीरो लिख लेंगे और फिर यहां पे मूव करेंगे यहां पे, पे आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा जीरो हम लोग टी पे पहुंच गए ये हमारे कोड है किसी यूजर रिसीवर जो कैसे पहचानेगा ये कौन सा मैसेज कैसे है ये डी कैसे करेगा तो ये हमारे पास ये कोड है कोड के माध्यम से हम लोग पहचानेंगे कौन सा करेक्टर है ठीक और जब यू रिसीवीवर के पास जाएगा या ऑप्टिमल कोड कहेंगे इसको ऑप्टिमल कोड हम अब हम निकालेंगे ऑप्टिमल कोड ऑप्टिमल कोड क्या होता है ऑप्टिमल कोड ऑप्टिमल कोड कुछ नहीं होता सीरियल वाइज जैसे लिखेंगे उस तरह लिखते चले जाएंगे कैसे लिखेंगे वन जीरो वन वन जीरो वन पहले एम लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे ए लिखेंगे ए क्या है हमारे पास जीरो है यहाँ जीरो लिख लेंगे एच है वन वन जीरो आर है आर में कितनी है ट्रिपल वन है तो वन 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 एस में क्या है वन जीरो वन 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 जीरो वन वन और टी में है वन जीरो जीरो हमारा क्या है ऑप्टिमल कोड है ये हमारा क्या है ऑप्टिमल कोड है कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें कि कितने बिट्स का ये मैसेज है कंप्रेस होने के बाद तो इसको निकालने कैसे निकालेंगे तो इसको पहले काउंट कर लेंगे कितने कोड हैं तो काउंट कर ले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ये टोटल कितने कोड है या एट्टीन का ठीक अब इसको काउंट लेकर कितने कैरेक्टर हैं कैरेक्टर कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स कैरेक्टर हमारे पास ठीक अब क्या है हमारे पास सिक्स कैरेक्टर गए ठीक अब पहले इसको निकालेंगे कितने आते हैं ठीक तो वन है वन इंटू और कितने कोड हैं फोर कोड हैं प्लस फोर इंटू जीरो प्लस टू इंटू वन वन जीरो और फिर प्लस फिर टू इंटू वन 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 सॉरी 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 टू इंटू कितने थ्री और ये क्या है टू इंटू थ्री और प्लस वन इंटू इंटू फोर और प्लस वन इंटू थ्री ये टोटल आएगा कितना आएगा फोर प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस फोर और ये थ्री टोटल आएगा ट्वेंटी थ्री आ गया ठीक ये ट्वेंटी थ्री बिट्स आ गया ठीक अब टोटल इसको कम कैलकुलेट करते हैं क्या कैलकुलेट करेंगे सिक्स करेक्टर हैं सिक्स करेक्टर में कितने बाइट्स होते हैं बिट्स होते हैं एट ठीक कितना आएगा आंसर फोर्टी एट आ गया ठीक और ये कितने हमारे पास कोड है एट्टीन कोड हैं ठीक ये कितने हैं तो इसको टोटल कर लेंगे सिक्सटी सिक्स आ गया ये हमारे पास और सिक्सटी सिक्स को हम लोग यहाँ ऐड कर लेंगे तो हमारा जो टोटल कंप्रेशन के बाद आएगा वो कितना आएगा नाइन और ये एट आएगा एट्टी नाइन हमारे पास बिट्स आ गई मैसेज को जब हाफ कोडिंग का इस्तेमाल किया गया एट्टी नाइन बिट्स आ गया हमारे पास जब हम हाफ कोडिंग को कोडिंग का यूज़ किया है सिंपल तरीका है क्या है तो पहले क्या करेंगे हम लोग कितनी फ्रिक्वेंसी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने कोड हैं ठीक जिसमें है जिसमें वन है फ्रिक्वेंसी एम की वन है और कितने कोड हैं फोर कोड हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड करते जाएंगे फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर इन, इनको ऐड कर देंगे फिर इसी तरह सब निकाल लेंगे तो टोटल जो निकालेंगे वो कितना ऐड 23 आया उसके बाद कैरेक्टर को कितने बीट्स होते हैं एक कैरेक्टर में एट होते हैं तो तो हम लोग उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास फोर्टी एट आ गया और टोटल कोड कितने हमारे पास 18 है उसको ऐड कर देंगे और जितने पहले कोड आए थे ट्वेंटी थ्री प्लस सिक्सट्टी सिक्स श्च उसको ऐड कर लेंगे क्या आएगा हमारे पास एट्टी एट्टी नाइन आ जाएगा एट्टी नाइन बिट्स का हमारे पास मैसेज हुआ जब हम लोग ने हाफ मैन कोडिंग का यूज़ किया